चीन द्वारा अपनी सैन्य क्षमता का प्रदर्शन करने के बीच भारत ने भी चीन सीमा के करीब बड़े सैन्य युद्धाभ्यास की शुरुआत कर दी है। माउंटेन वॉरफेयर की दिशा में अपने नए इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स IBG को परखने के लिए अरुणाचल प्रदेश बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू कर दी गई है। चीन से लगी सीमा पर करीब महीने तक हिम विजय अभियान चलाया जा रहा है। इसमें नए 17वें ब्रह्मास्त्र कॉर्प्स को फुर्ती से अटैक करने वाले एक उत्कृष्ट फोर्स में तब्दील किया जाएगा। 17वें कॉर्प्स के 3 इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स में 5000 जवान, कई टैंक, लाइट आर्टिलरी, एयर डिफेंस यूनिट, सिग्नल और अन्य उपकरण शामिल है। भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर 3, C-130, जे सुपर हर्कुलस और AN-32 एयरक्राफ्ट भी हिम विजय का हिस्सा होंगे। जवानों को एयरलिफ्ट करने के लिए हेलीकॉप्टर्स और अन्य उपकरणों को भी शामिल किया गया है। इससे पहले पाकिस्तान को देखते हुए बनाए गए IBG ने इसी तरह अप्रैल मई में पश्चिमी कमांड स्थित चंडी मंदिर में अभ्यास किया था। हर IBG में अभ्यास 3 चीजों पर आधारित होगा। पहला, इलाके में खतरे की प्रकृति, दूसरा, इलाका किस प्रकार का है और तीसरा, दिया जाने वाला टास्क। पाकिस्तान के लिए तैयार IBG में ज्यादातर टैंक और भारी आर्टिलरी पर ध्यान दिया जाएगा, जबकि चीन से निपटने के लिए तैयार इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स यानी कि IBG में इन्फेंट्री और लाइट आर्टिलरी शामिल होगी। पूरे IBG का कॉन्सेप्ट इस बात पर आधारित है कि ऐसा फुर्तीला फोर्स तैयार किया जाए जो तेजी से टास्क पर काम करना शुरू करे और उसे पूरा करे। हिम विजय अभ्यास उस वक्त जोर शोर से चल रहा होगा जब चीनी राष्ट्रपति महीने के आखिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चेन्नई में अनौपचारिक बैठक के लिए भारत का दौरा कर रहे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट।